नमस्कार, मैं सोनी माधिया आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। कोलंबस ने आज के दिन की थी नई दुनिया की खोज। इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकले थे और गलती से नई दुनिया की खोज कर ली। लंबी समुद्री यात्रा के दौरान 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के जहाजों ने धरती को छुआ था। इस दौरान कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच गया है, लेकिन वो बहामास का द्वीप सैन सल्वाडोर था, जिसे वहां के निवासी गुआनाहानी कहते थे। बाद में इसे ही नई दुनिया की खोज माना गया। कोलंबस वहां 5 महीने तक रहा और कई अन्य कैरिबियाई द्वीपों की खोज की। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आज के दिन हुआ था निधन। स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गांधी जी और अन्य बड़े कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब लोहिया ने भूमिगत रहकर आंदोलन को पूरे देश में फैलाया था। लोहिया ने गोवा मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व भी किया। वह हिंद किसान पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर लोहिया ने अंग्रेजी को हटाने के लिए अंग्रेजी हटाओ आंदोलन भी चलाया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर आज के दिन सत्ता पर किया था नियंत्रण। पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। इस रक्तविहीन क्रांति में नवाज शरीफ को श्रीलंका से आ रहे मुशर्रफ के विमान का अपहरण करने और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में नवाज शरीफ को परिवार के 40 सदस्यों के साथ सऊदी अरब निर्वासित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र को आज के दिन मिला था सदी का पहला नोबेल शांति पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र और इसके महासचिव कोफी अन्नान को 12 अक्टूबर 2001 को संयुक्त रूप से इस सदी का पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। कोफी अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र विकास समूह की स्थापना की। उनके कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र ने सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य अपनाए, जिसके तहत 2015 तक विश्व में गरीबी को आधा करने का संकल्प लिया गया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार भी किए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 12 अक्टूबर दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली हैं। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता के प्राप्ति के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा। व्यवसायियों के लाभ से वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव से कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किस्मत आपके साथ है। परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मोर्चे पर धन की आवक धीमी रहेगी। खर्च अधिक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विद्यार्थियों का मनोनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी सलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही समय गुजरेगा। कार्य क्षमता के अनुपात में सफलता मिल सकती है। उत्साह बढ़ा रहेगा और उसे आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों में अपेक्षित परिणाम से प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी।
तुला आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है। मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, वाणी व आचरण पर संयम रखें। अपमान के योग हैं शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। कानूनी अड़चनें दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव है। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैंगनी। मकर आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। नौकरी पेशा जातकों के स्थानांतरण का योग है। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत भी हो सकती है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मैरून गुलाबी। कुंभ आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है। आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। परिवार जनों से संबंध में मतभेद हो सकती है। कारोबार में लाभ के योग हैं शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खिन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। अपमानित होने के योग हैं शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामुनी सलेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से शाम 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121266888 या 0983706000 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।